सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यह मेरा वीडियो पूर्णिया के निवासियों के लिए खास करके है। वर्षों से रोज मेरे पास पूर्णिया के लोगों का संवाद आता रहा है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वो परेशान है। जिन लोगों को जहाँ तक होता है वहाँ तक सहायता मदद करने की प्रयास करता हूँ, लेकिन उसमें भी मेरी अपनी बाध्यता है। तो हो सकता है कि सबको वो मदद ना पहुँचे, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिनका उल्लेख करना मैं सार्वजनिक रूप से मुनासिब नहीं समझता, जिसने मुझे बाध्य किया ये सोचने के लिए कि कुछ करना होगा और राजनीति से अलग हटकर करना होगा। पूर्णिया के हजारों शिकायतों को अगर छाना जाए जो मेरे पास आई हैं, तो एक बात स्पष्ट होकर सामने आती है कि अधिकांश लोग अपने आप को आज असहाय महसूस करते हैं, निर्बल महसूस करते हैं, और सबसे दुखद वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। किसी भी समाज के लिए यह अच्छी चीज नहीं है, और इसलिए काफी चिंतन करने के बाद मैंने एक प्रयास को शुरू करने की ठानी है, जिसका नाम मैंने पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन रखा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह पूर्णतः सामाजिक कार्यक्रम है। आजादी के बाद से अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया, बल्कि ये कहने में भी हिचक नहीं है, कुछ ने अपना कुप्रभाव क्षेत्र बढ़ाया, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संख्या में इजाफा हुआ। राजनीतिक कार्यक्रमों में बहुत इजाफा हुआ, लेकिन जहां एक ओर राजनीतिक सक्रियता बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सक्रियता घट गई, और सामाजिक कार्यकर्ता दुर्लभ हो गए, वो कहीं मिलते ही नहीं। जिससे पूछिए वो किसी दल से ही जुड़ा हुआ है, वह किसी विचार से ही जुड़ा हुआ है। कौन सी राजनीतिक दल क्या करती है ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगर घोषणाओं को अलग कर दें तो जमीन पे क्या है, क्या होना चाहिए, वो अलग विषय है, उसको छोड़िए। तो मुझे लगा कि एक ऐसा सामाजिक आयोजन हो जिसका पहला और मुख्य उद्देश्य ये हो कि कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति अपने आप को असहाय, दुर्बल और अकेला महसूस न करे। अगर वो किसी तकलीफ में है तो उसके पूरे समाज को, हमारे समाज को उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, और यही उद्देश्य पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन का है। ये जो जन आंदोलन शब्द है, इसका अर्थ कहीं कुअर्थ न लग जाए कि ये घेराव के लिए बना है और धरना के लिए बना है और प्रदर्शन के लिए बना है। आवश्यकता होगी वो भी होगा, लेकिन वो एक छोटा सा अंग है। पहला अंग है, पहली उद्देश्य है कि हमें हमारा हक, हमें न्याय मिलना चाहिए, मिलेगा। सामाजिक सक्रियता कितनी घट गई है, दो उदाहरण दे देते हैं।
जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं हमारे किसान, वो दिल्ली के बॉर्डर पे करीब 1.25 साल बैठे रहे, अपना हक मांग रहे थे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन छिटपुट के सिवा पूरा देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था, बल्कि उसका उल्टा हुआ। उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी सब कुछ कह दिया गया, और समाज, हम लोग सब, मैं उसमें ही हूं, हम लोग सब देखते रहे। अभी कुछ दिन पहले हमारी देश की गौरव कुछ महिला पहलवान अपने किसी शिकायत को लेकर, और संगीन शिकायत को लेकर, संसद के नाक के नीचे बैठी रही, देशवासी उनके साथ खड़े नहीं। क्या दर्शाता है? कि हमारी सामाजिक चेतना मर गई। हमारी सामाजिक चेतना वो नहीं है जो होनी चाहिए। अब मैं इतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं कि मैं इसको देश के स्तर पे इसको लाऊं। वैसे भी मैंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन पूर्णिया और उसके इर्द गिर्द इलाके में ही सीमित रखा है। मैंने कोई कभी बिहार का और देश का नेता बनने की ना दावा की है, ना चेष्टा किया, ना किसी नेता के दरवाजे कभी भीख मांगने गया हूं, ना कहीं बैठकर कोई कूटनीति का हिस्सा हुआ। मेरा बड़ा स्पष्ट है, पूर्णिया मेरा कर्म भूमि है, पूर्णिया में मैं काम करता हूं, अच्छा करूं बुरा करूं जो करूं वही करता हूं, और उससे निकटतम लगता हुआ जो सीमांचल और कोसी का क्षेत्र है, जहां तक लोग मेरी बात सुनते हैं वहां मैं करता हूं। तो पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन का पहला उद्देश्य हम सबको न्याय दिलाना है, और न्याय दिलाने के समय किसी भी व्यक्ति को यह महसूस न हो कि वो अकेला है, इसको सुनिश्चित करना है। विस्तृत इसके कार्यक्रम आने वाले कुछ समय में मैं साझा करूंगा, इससे जुड़ने की क्या प्रक्रिया है वो भी साझा करूंगा, लेकिन इस समय में आप लोगों से मेरा करवद प्रार्थना इतना ही है कि इसको उसी रूप से देखें जिस रूप से, जिस सोच से मैंने इसको शुरू किया। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं सार्वजनिक काम कभी पर्दे के पीछे नहीं करता। अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा जिस समय में, तो सबको सूचना मिलेगी, परिस्थिति के अनुसार मैं क्या निर्णय करता हूं नहीं करता हूं, किस दल में लड़ता हूं दल से नहीं लड़ता हूं, सब कुछ निर्णय बाद में होगा। वैसे भी अभी बहुत योद्धाओं ने पूर्णिया में अपनी दावेदारी ठोकी। भाई, लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो जहां से लड़ना चाहे लड़े, किसी को मना ही नहीं है, जनता तय कर देती है उसको कौन चाहिए। मैं भी तो पिछले 2 बार लड़ा और हारा, तो वो हार भी मेरे सिर आंखों पर है। वो हार से मैं ना तो हार माना, और ना अपने लोगों के प्रति मेरा कोई सोच बदला। वो उनकी इच्छा है, वो क्या करते हैं। और जितने लोगों ने अभी ताल ठोका है या ठोकेंगे, तो पूर्णिया वाले उनसे परिचित हैं कि इनकी किनके कार्यकाल में क्या हुआ नहीं हुआ, अच्छा कौन बुरा कौन, इस पे किसी चर्चा और टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है। तापमान को नीचे रखने की जरूरत है। राजनीतिक तापमान भी खामखाई बढ़ा दिया जाता है। अरे, बात बड़ी छोटी सी है, हम लोग अर्जी डालते हैं लोगों के सामने कि साहब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, लोगों को मंजूर होता है तो वो मुझे चुनते हैं, लोगों को नहीं मंजूर होता मुझे नहीं चुनते, किसी और को चुनते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें ना हार की इतनी कोई दुख होनी चाहिए, ना जीत का कभी इतना उत्साह होना चाहिए। कोई, ये समय से परिवर्तन होता ही रहता, होना ही चाहिए। और मैं तो वर्षों से इस काम में लगा हूं, और फिर इस वीडियो के माध्यम भी आग्रह कर देता हूं, नए लोग आगे आइए। अगर पूर्णिया को एक अच्छा सांसद, 7 अच्छे विधायक मिल जाएं, 5 वर्ष में पूर्णिया की शक्ल बदल सकती है। लेकिन अगर पूर्णिया के लोग उसे किसी धागे में बांध कर बनाना चाहते, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, काम नहीं होगा।
क्योंकि प्रतिनिधि को तो आप बनाते हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, लेकिन वो बेचारा इतना दब जाता है अपने नेताओं और अपने पार्टी के दबाव में कि वो आपकी आवाज ना उठाकर अपने नेताओं और पार्टी की आवाज उठाता रहता है। कम ही लोग हिम्मत कर सकते हैं इसके विरोध में जाने की। और मैं तो जीता जाता जागता उसका उदाहरण हूं कि अगर अपनी जनता के लिए आवाज उठाऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी, और मैंने सजा भुगता और मुझे बड़ा अच्छा लगा सजा भुगत के, फिर मौका मिलेगा फिर करूंगा। जो कहते हैं कि कभी मैं सीधा होने वाला व्यक्ति नहीं हूं, वैसे ही हूं। जनता ने चुना तो जनता की आवाज उठेगी, नेता ने नहीं चुना। नेता मदद कर सकता है, चुनेगी जनता, जनता की आवाज उठेगी हमेशा उठेगी। तो खैर मैं विषय से थोड़ा अलग हो गया। पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन सामाजिक कार्यक्रम है, इसको हम सच्चाई के आधार पर, न्याय के आधार पर आगे बढ़ाएंगे, और प्रयास ये होगा कि हमारे यहां के रहने वाला कोई अपने आप को अपनी लड़ाई में अकेला न समझे, हम सब उसके पीठ पर खड़े रहेंगे। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है, राजनीति राजनीति के क्षेत्र में होगी, ये सामाजिक क्षेत्र है, हम समाज के अंग हैं, तभी तो किसी राजनीतिक दल पार्टी विचार से मिलते हैं। तो अपने मूलभूत जो चीज है हमारी उसको ना भूलें, समाज के अंग हैं, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरत है, मर्द है, गरीब है, अमीर है, लंबे हैं, छोटे हैं, सभी हैं, सभी जाति और सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग हैं। हम लोग सब मिलकर एक समाज है, हम सबको एक साथ रहना है। आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस प्रयास में जरूर भागीदारी दिखाएं, जुड़ें, करें, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।